कार्यों में घोटाले का मामला सामने आया। जांच के लिए गांव पहुंची है टीम। सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान ने किया 50 लाख से ज्यादा का गबन। केंद्रीय यावा विकास खंड के उचैर कला ग्राम पंचायत ने पूरा मामला बताया जाए। सेक्रेटरी और प्रधान ने 50 लाख से ज्यादा का गबन किया है और जिसको लेकर जांच के लिए टीम पहुंच गई है। विकास कार्यों में घोटाले का मामला सामने आया। 50 लाख से ज्यादा रुपयों का गबन किया गया है। सेक्रेटरी और प्रधान की तरफ से जांच के लिए गांव पहुंची है टीम। सेक्रेटरी और प्रधान ने किया है 50 लाख से ज्यादा का गबन। केंद्रीय आवा विकास खंड के उचैर कला ग्राम पंचायत का पूरा मामला बताया जा रहा है और ये जो गबन हुआ है इसको जांच के लिए टीम गांव पहुंच चुकी है। विकास कार्यों में घोटाले का मामला सामने आया है। आपको बता दें इस घोटाले में 50 लाख से ज्यादा रुपयों का गबन किया गया है और इस घोटाले में सेक्रेटरी और प्रधान शामिल है जिसको लेकर जांच के लिए टीम गांव पहुंच चुकी है। विकास कार्यों में घोटाले का मामला सामने आया है जिसमें 50 लाख से ज्यादा रुपयों का गबन किया गया है। सेक्रेटरी और प्रधान ने किया है 50। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, ये जो 50 लाख से ज्यादा का गबन किया गया है टीम इसको लेकर गांव पहुंच चुकी है। टीम के हाथ अभी क्या कुछ लग पाया है? जी बता दें कि टीम अभी तक जो है गांव में पहुंची थी, अभी तक जांच ही कर रही थी, जिसमें साफ साफ पारदर्शिता की तरह साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत से भारी भरकम धन को जो है गमन किया गया है। और ये भी साफ हो चुका है कि जो है अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। हालांकि इस पूरे मामले पर टीम से जब मीडिया ने सवाल जवाब करने की कोशिश की तो साफ साफ जो है इंकार कर दिया गया है। कहीं ना कहीं इसमें साफ लग रहा है कि जिम्मेदारों को और घोटालेबाजों को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये अभी तक जो है साफ हो चुका है। जांच टीम ने यह कह दिया है कि जो है जो भी रिपोर्ट होगी वो जिलाधिकारी को प्रेषित की जाएगी और जो है मीडिया से साफ साफ इंकार कर दिया गया है बताने के लिए। जी मिथिलेश, 50 लाख से ज्यादा रुपए का गबन किया गया, विकास कार्यों में घोटाला हुआ है, आखिर कैसे हो गया इतना बड़ा घोटाला और किसी की नजर नहीं पड़ी? जी बता दें कि 2017 और 2016-17 में जो है ये जो है विकास कार्यों के नाम पर जो है काफी धन सरकार के द्वारा आवंटित कराया गया था जिम्मेदारों के द्वारा और उस पूरे धन को जो है कागजों में दिखा दिया गया था पूरा हो चुका है। जब इसमें एक शिकायतकर्ता गांव के शिकायतकर्ता ने पूरे मामले को उजागर किया तो कहीं ना कहीं पूरे मामले पर पर्दा डाले जाने की कोशिश की जाती रही और फिलहाल उस जो है शिकायतकर्ता ने जब वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की तो पूरे मामले का जाके खुल के सामने आया है और अब जो है जांच हो रही है पूरे मामले पर, कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी जी अब देखते हैं कि कार्रवाई के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारी के लिए। विकास कार्यों में घोटाले का मामला सामने आया। आपको बता दें 50 लाख से ज्यादा रुपए का घोटाला किया गया था, लेकिन जांच के लिए टीम गांव पहुंच गई है। अब देखते हैं कि इस मामले में कौन दोषी पाया जाता है और दोषियों पर कब तक कार्रवाई होगी।